कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी रेत माफियाओं के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा रहे। रेत माफिया रविंद्र सिंह बुंदेला के सामने सरकार भी कार्रवाई करने से पीछे हटती नजर आ रही है। वहीं एक और किसान मजबूर और लाचार हो रहे हैं, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। देखिए यह पूरी खबर। छतरपुर जिले में रेत माफिया रविंद्र सिंह बुंदेला का इतना खौफ है कि उसने शासन और प्रशासन को जेब में डाल रखा है। यहां तक कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी रविंद्र सिंह बुंदेला के खिलाफ कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में अगर किसान जाए तो कहां जाए। जब खनिज अधिकारी अमित मिश्रा से इस विषय में बात करनी चाहिए तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। आखिर क्या वजह रही कि जो खनिज अधिकारी ने भी हाथ खड़े कर दिए। क्या रविंद्र सिंह बुंदेला द्वारा पैसा पहुंचाया जा रहा है, जिस वजह से अधिकारी भी कार्रवाई करने से पीछे हट रहे हैं। किसानों की जमीनों को एक बड़े तालाब में तब्दील कर दिया गया है। रविंद्र सिंह बुंदेला के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसके खिलाफ प्रशासन भी कार्रवाई करने से पीछे हटते जा रहा है। रविंद्र सिंह बुंदेला कभी ड्राइवर हुआ करते थे, लेकिन इतने कम समय में वह करोड़ों रुपए के मालिक कैसे बन गए, इसका जवाब तो रविंद्र सिंह बुंदेला ही दे सकते हैं। अवैध तरीके से जमकर रेत का काला कारोबार किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के राज में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई आखिर कब होगी। जगह से अवैध तरीके से रेत